हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास एट्थ का चैप्टर सिक्स दिस इज जॉडीज फोन पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ कुछ चैप्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर अ कट ऑन योर नी, अ बर्न ऑन योर आर्म, अ बी स्टिंग। तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि ऑफन क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने के अलावा हम क्या करते हैं, टू ट्रीट अ स्मॉल कट एंड बर्न, जो छोटे कहीं अपने को कट लग जाती है कुछ कटिंग करते हुए या कहीं जल जाते हैं हम थोड़ा सा, तो हम डॉक्टर के पास ना जाकर हम क्या करते हैं, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। यानी घर पे अगर कोई चीज़ आपके हैं तो हम घर पे ही उनका क्या करने लग जाते हैं, इलाज करने लग जाते हैं। घरेलू नुस्खे जो होते हैं ना, उनसे हम लोग क्या करने लग जाते हैं, इलाज करने लग जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़, क्या आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ याद है, घरेलू नुस्खे याद है, जिससे आपने अपने कहीं पर कट लग गया हो या कहीं बर्न हो गया हो तो घर पे ही आपने उसकी क्या कर दी हो, क्योर कर दी हो या इलाज कर दिया हो उसका। और किस टाइप के होने चाहिए, अ कट ऑन योर नी, कभी आपके कट आया हो नी में तो आपने क्या किया हो घर पे, अ बर्न ऑन योर आर्म, आपके आर्म पे कोई बर्न आ गया हो, जल गया हो, अ बी स्टिंग, जो मधुमक्खी होती है वो काट लेती हैं, तो हम सब घर पे कुछ ना कुछ इलाज करते हैं ना, कभी कभी मधुमक्खी काट लेती है तो हम क्या करते हैं कि जो आयरन होता है उसको घुमाते हैं ताकि उसकी स्वेलिंग ना हो। कट आ जाता है तो भी हमारे पास घर पे कुछ ना कुछ होता है या बैंडेज होती है तो हम घर पे ही यूज़ कर लेते हैं, हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास रश नहीं करते हैं ना, डॉक्टर के पास भागकर नहीं जाते छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हम घर पे ही उसका क्या करते हैं, इलाज कर लेते हैं। इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज़ बिन बिटन बाई अ रेटल स्नेक, ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फोन लेफ्ट विदाउट अ मदर। ये जो स्टोरी है ये कुछ ऐसी है, होम रेमेडीज़ के ऊपर ही ये स्टोरी लिखी हुई है ना, कि जॉडीज फादर, यानी जॉडी के जो फादर थे, जॉडी यहाँ एक बॉय का नेम है, छोटा सा एक बॉय है उसका नाम है, जो उसके फादर थे, हैज़ बिन बिटन बाई अ रेटल स्नेक। रेटल स्नेक एक टाइप का स्नेक है ना, तो स्नेक ने उनको काट लिया था। ही क्विकली किल्स अ डो, उन्होंने क्या कर दिया, जल्दी से हिरन, हिरनी है ना, हिरन को हम डियर बोलते हैं, डियर का जो फीमेल है उसको हम क्या बोलते हैं, डू, जो हिरनी है उसको मार दिया। यूज़ इट्स हार्ट, उसके हार्ट और लीवर को यूज़ किया, किसको बाहर निकालने के लिए, उस स्नेक बिटन पॉइजन जो फैलता है ना, जब आपको सांप काटेगा तो ऑब्वियसली आपके पॉइजन फैलेगा, तो उस पॉइजन को हटाने के लिए, करने के लिए, क्योर करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इस हिरनी को मार दिया। छोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फोन लेफ्ट विदाउट अ मदर। जोड़ी विचार करता है कि वो जो छोटा बच्चा है, किसका, हिरनी का जो छोटा बच्चा है उसको बोलते हैं फ़ोन, हिरन के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको फ़ोन बोलते हैं, तो उसका जो छोटा बच्चा है बिना माँ के वो कैसे रहेगा। तो ये तो आपको एक क्या बताया है, फ्रेम किया है कि स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टोरी हमारे किस पे बेस्ड है, स्टोरी में क्या है, जोड़ी एक बॉय है और उसके फादर हैं, उन्होंने क्या किया है, एक हिरनी को मार दिया है, और अब जॉडी को चिंता हो रही है कि उसका जो छोटा बच्चा है वो उसकी माँ के बिना कैसे रहेगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, ही हैड होल्ड इट इन हीज ड्रीम्स इन हीज आर्म्स, he slipped from the table and went to his father's bedside, penny lie at rest, his eyes were open and clear but the pupils was still dark and dilated. First paragraph mein kya ho raha hai, Johnny allowed his thoughts to ड्रिफ्ट बैक यानी पीछे जाना है ना, यादों में खो जाना, गो बैक टू द मेमोरीज, जो मेमोरी उसने हुई है, जो घटना हुई है ना जिसमें उसके पापा ने उस हिरनी को मारा है, तो वो घटना बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। He could not keep it out of his mind. वो अपने दिमाग में से ये सारी चीज़ें निकाल ही नहीं पा रहा था। He had hold it. उनको उसने पकड़ के रख रखा था, उन सारी मेमोरीज को उसके दिमाग में उसने पकड़ के रख रखा था, क्योंकि उसको क्या हो रही थी, उसको चिंता हो रही थी उस छोटे एनिमल के लिए। In his dream, in his arms. उसको सपनों में भी वही दिख रहा था,
है ना, और उसको सपनों में उसके हाथों में भी वो छोटा सा बच्चा ही दिख रहा था। तो इस तरीके से उसके दिमाग में बार बार वो बातें आ रही थी, उस बच्चे की उसको फिक्र हो रही थी, है ना। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। स्लिप्ड यहाँ मतलब कि वो उठकर अपने फादर के पास गया, टेबल से उठकर अपने फादर के पास गया। पेनी ले एट रेस्ट, उसके जो पापा है उसके लिए बोला गया ना पेनी, जो पेनी थे वो किस पे सो रहे थे, बेड पे रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको क्या हुआ था, सांप ने काट रखा था। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें खुली हुई थी और क्लियर दिख रही थी। बट द प्यूपल्स, प्यूपल्स यानी जो आपका देखिए आईज में जो ब्लैक पार्ट होता है उसके लिए यूज़ किया गया ना, वर स्टिल डार्क एंड डिलाइटेड, अभी भी जो प्यूपल्स हैं वो डार्क था, कलर उनका कैसा था, डार्क था और डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी बिगर देन नॉर्मल, बड़ी बड़ी हो गई थी, जो नॉर्मल शेप होता है अपना प्यूपल का उससे ज़्यादा बड़ा वो दिख रहा था। तो उनकी जो हालत है वो सही नहीं थी, है ना, वो थोड़े से क्योंकि उनके अभी भी पॉइजन था बॉडी में, तो इससे वो उनकी तबीयत ख़राब थी। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा, जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गोइंग गोन थेविंग एल्सवेयर, बट वजंट इट अ क्लोज शेव। फिर वो जॉडी है उसके फादर को पूछता है कि आप कैसा फील कर रहे हो पापा, तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि ओल्ड डेथ, ओल्ड डेथ है ना, डेथ के लिए यूज़ किया गया है कि जो डेथ है हैज़ गोन थीविंग एल्सवेयर, थीविंग यानी कहीं और चले गई है। अब हम बोलते हैं ना कि मौत आती है ऐसे, है ना, हम लोग यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर रहा है ना कि जो डेथ है वो कहीं और चली गई है शायद। बट वजंट इट अ क्लोज सेव, ये कितना क्लोज सेव था, मतलब मैं मर सकता था लेकिन मैं क्या है इतना मौत के पास जाके बच गया हूँ। आई अग्री, पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। फिर उसके फादर बोलते हैं कि मुझे बहुत ही प्राउड है कि तुमने वही किया, कैप्ट योर हेड यानी कि स्टेड काम इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो सिचुएशन थी उसके अंदर तुम बिल्कुल शांत रहे और मैंने जो जो कहा वो तुमने किया। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, जोडी जो बच्चा है वो घर आ गए हैं, उन्होंने जो फीमेल डियर है उसको मार दिया है डू को, और फिर वो जब घर आए तो वो बार बार बच्चा जो है उसके बच्चे के बारे में, हिरणी के बच्चे के बारे में सोच रहा है कि अब वो कैसे रहेगा, उसकी माँ नहीं है, है ना, तो वो सारे उसमें दिमाग में उसके चल रही होती। तब वो उसके फादर के पास जाता है और फादर जो है उनकी तबीयत अभी भी ख़राब है, अभी भी बिगड़ी हुई है, और पूछता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, तो बताता है कि मैं अभी अच्छा हूँ, अभी भी मौत से बचकर आया हूँ और मुझे तुम पर बहुत प्राउड है क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छे से सारी सिचुएशन को संभाला है। नेक्स्ट देखिए, पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फैन फोन। ये बोलता पापा आपको याद है, रिकलेक्ट यानी अपनी मेमोरी रिकलेक्ट करना या पीछे जाना, कि आपको याद है कि द डो एंड द फोन, जो डो जिसको आपने मारा है हिरनी और उसका बच्चा, आपको याद है क्या। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टन। वो फादर बोलते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं भूल सकता, मैं उन दोनों को नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि उस पुअर डो ने मर करके मुझे बचाया है ना, क्योंकि उसके लिवर और हार्ट का जो हमने यूज़ किया है उससे ही मैं बचा हूँ, दैट्स सर्टन, ये तो श्योर है कि मैं उनको नहीं भूल सकता हूँ। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। फिर वो बोलता है कि पापा जो फ़ोन है, क्योंकि हमने तो सिर्फ किसको मारा है, हिरनी को मारा है, तो उसका जो बच्चा है वो वहाँ बाहर ही होगा, अभी भी वहाँ बाहर ही होगा, इट माइट बी हंग्री, क्या पता उसे भूख लग रही होगी और उसे डर लग रहा होगा। फादर रिप्लाई करते हैं, आई सपोज सो, मुझे भी लगता है ऐसा। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। फिर उसके फादर को बोलता है कि पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा बच्चा हो गया, अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, क्या मैं जा नहीं सकता, क्या मैं जाकर उस फ़ोन को ढूंढ नहीं सकता, एंड ब्रिंग इट द हियर, और मैं उसको यहाँ ले आऊँ ढूंढ करके, एंड राइज इट। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग। नेक्स्ट देखिए, उसके फादर जो हैं वो चुपचाप सोए हुए हैं और स्टेरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग यानी जो छत है ऊपर की, है ना, इनर सरफेस ऑफ द रूफ, जो छत है उसको देख रहे हैं। Boy, you have got me hemmed in. Hemmed in. Hemmed in यानी क्या होता है, caught in a situation where one cannot say no, यानी कि ना नहीं बोल सकता। बच्चे तुमने मुझे ऐसी दुविधा में डाल दिया है कि मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता। I wouldn't take much to raise it, but I will soon start eating leaves and
अक्रूंस। नेक्स्ट वो बोलता है कि फादर, वो उसने फादर को बोलता है कि इट वुडंट टेक मच, इट वुडंट टेक मच मतलब कि वो ज़्यादा खाने को नहीं लेगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा, रेज इट रेज यानी उसको बड़ा करने में इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगी, उसको खाने के लिए ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा। पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स, वो जल्दी ही लीव्स खाने लग जाएगा। अक्रूंस, अक्रूंस ये होता है ब्राउन, स्मॉल ब्राउन नट्स, वो नट्स खाने लग जाएगा, तो हमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी उसे बड़ा करने में। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, उसके फादर बोलते हैं तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, तुम्हारी एज के जो लड़के होते हैं उनसे भी तुम बहुत स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, है ना? यस, क्योंकि हमने उनकी मदर को, उसकी माँ को मार दिया है, तो ये क्या है, इसकी वजह से वो क्या करने वाला है, हमें ब्लेम नहीं करने वाला है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टर, यानी कि हाँ सही में उसे इस तरीके से अगर हम छोड़ देंगे, स्टार्व यानी होता भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, तो ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा। सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू सी अनादर डे, है ना? मतलब मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता बच्चे, क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं दूसरा दिन भी देख पाऊँगा, यानी मैं मर ही जाता अगर मैं उसको नहीं मारता और उसका लीवर यूज़ नहीं करता, तो इसलिए क्या है, ये तो बहुत ही अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे, उस बच्चे की हेल्प नहीं करेंगे। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा है कि जो जोड़ी है वो एक छोटा बच्चा है, उसके फादर क्या करते हैं, एक डो को मार देते हैं अपनी लाइफ सेव करने के लिए, और जोड़ी है जो उसकी वरी कर रहा होता है, उस बच्चे की चिंता कर रहा होता है, उसके फादर को बोलते हैं कि क्यों ना हम उस बच्चे को घर ले आएँ, उसको पालेंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा, अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ, मैं दूध नहीं पीता हूँ, और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर वो लीव्स खाने लग जाएगा और क्या एक्रोन्स खाने लग जाएगा, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। उसके फादर जो है उसको ना ही नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उसकी जो माँ है उसने मर करके उसके फादर को बचाया है, तो उनकी क्या होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका ध्यान रखे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।